निर्वाण षटकम क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य के अपने गुरु बाल शंकर से सर्वप्रथम भेंट के अवसर पर उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो? इस पर जो शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया वही निर्वाण षटकम नाम से विख्यात है। आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित एक सुंदर कविता है जिसमें ज्ञान की स्थिति परमार्थिक सत्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि जीव क्या है और क्या नहीं है। मूल भाव है कि आत्मा, जिसे जीव भी कहा जाता है, वह किसी बंधन, आकार और मन की स्थिति में नहीं है। वह ना तो जन्म लेते हैं और ना ही उसका अंत होता है, वह शिव है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण षटकम आज भी श्रोताओं को मुक्त करता है। क्या है इस रचना का अर्थ जानते हैं सद्गुरु से। निर्वाण षटकम हमें राग व रंगों के परे के आयाम में ले जाता है। निर्वाण षटकम का मूल भाव वैराग्य है। इस मंत्र को ब्रह्मचर्य मार्ग का समानार्थी माना जाता है। इसकी ध्वनि हमारे अंतरतम की गहराई में हलचल पैदा कर देती है। ईशा योग केंद्र में आने वाले बहुत से लोग इसे सुनकर आंसुओं में भर जाते हैं। निर्वाण का अर्थ है निराकार। निर्वाण षटकम इस बारे में है कि आप यह या वह नहीं बनना चाहते। यदि आप यह या वह नहीं बनना चाहते तो आप क्या बनना चाहते हैं? आपका मन यह नहीं समझ सकता, क्योंकि आपका मन हमेशा कुछ ना कुछ बनना चाहता है। मैं यह नहीं बनना चाहता, मैं वह भी नहीं बनना चाहता। तो आप जिस स्वरूप की बात कर रहे हैं वो शिव ही है।